नमस्कार दोस्तों, ये विदेश में रह रहे और 2 साल से ये तकलीफ उठा रहे और वो हाथ पर दिख भी रही है और वो तकलीफ आगे निकलते दिख रही है। अब इनका एनालिसिस करते हैं, जो भी इनके हाथ में अप डाउन दिख रहे हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं। हाथ पूरा चौड़ा है तो मेहनती होते, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। फर्स्ट फैलेंट दिख नहीं रहा है पर अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते, और फैलेंज बड़े बड़े हैं। तो इस तरह के बड़े फैलेंज हो तो एनालिटिकल पर्सन होता है। इनकी सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है। इस तरह की बड़ी अगर सूर्य की उंगली हो तो ये बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव वाले होते हैं, खुश मिजाज रहने वाले लोग भी होते हैं इस तरह के लोग, और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं ये लोग। छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति अच्छा रहता है। अब ये इस पार्ट से पूरा टिल्टेड फोटो भेजा है तो एज कैलकुलेशन में 99% तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर 1-2 साल का फर्क पड़े तो मुझे क्षमा करना। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह की लाइनें हो बुध पर्वत पर तो व्यक्ति बिजनेस सेंस अच्छा पाता है और बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम व्यक्ति के जीवन में रहती है। अब सन माउंट पे ये इतनी मेहनत नहीं कर पाए जितनी एक्सपेक्टेड थी, इतनी क्वालिटी भी नहीं थी, और आदमी टेंशन में रहता तो उतना कर भी नहीं पाता। जो साइनें दिख रही है वो बताने की कोशिश करता हूँ। एक अच्छी सी क्लियर कट यहाँ पर साइन है, और भी साइनें इनके हाथ में होगी पर ये निकाल नहीं पाए, और एक दो छोटी छोटी इस जगह पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक छोटी इस जगह पर भी है। व्यक्ति एक्चुअल में आता है हमारे पास, क्या उसको प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा वो देखने आता है बस। एकदम फोटोग्राफ सीधा नहीं है, अगर यहाँ पर उभार होगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता। जुपिटर माउंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है जीवन में। और मल्टीपल लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी होगी। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, ऐसे लोग पॉलिटिकल या सरकारी बेनिफिट भी ले सकते हैं, और ना मिले तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं ये लोग। और ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजिशन पर पहुंचे होंगे, और ये बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य व्यक्ति को मिलता है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में ये बहुत बड़ा क्रॉस, ये बहुत ज़्यादा भयभीत रहते होंगे, बहुत ज़्यादा, हमेशा अनजाना डर सताता होगा। और ये आपके हाथ में ये क्रॉस है कि नहीं है इसको जानना हो तो आप रात को सोते हो तो साल में 5 से 6 बार जैसे एकदम 1-2 सेकंड के लिए झटका लगता है, जैसे हम किसी पाताल लोक में चले गए या कोई खड्डे में चले गए, गिर गए और फिर नींद आती है। अगर ये कंडीशन है तो आपके हाथ में भी क्रॉस है और ये भयभीत रखता है व्यक्ति को। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। इनके हाथ में बहुत सारे ट्रायंगल है,
और ये ऑलरेडी विदेश में ही है, ये विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है या कभी बनाता है, पर ये ऑलरेडी विदेश में ही है। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल है। अब ये बहुत अच्छा अगर फोटो भेज पाते तो इस तरह का लैडर बने, 1 2 3, ये 4 अगर स्क्वायर बने, 4 स्क्वायर बने तो ये मल्टी मिलियनर योग भी कहा जाता है। पर इनकी क्वालिटी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी आपका इंडिया में आना हो तो एक बार ज़रूर आइए, फीस दोबारा देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर हमारी जो क्वालिटी हम ले पाते हैं फोटोग्राफी की, वो आप लोग कभी भी दूर रहकर वो क्वालिटी नहीं ले पाओगे। हाँ, अभी वर्तमान में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते दिख रहा है, वो मैं आऊँगा उस पर पूरे जीवन के अप डाउन जानने, आपको कैसा समय रहेगा, अच्छा बुरा, तो पर्सनल आओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाओगे आप, यानी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। और ये स्क्वायर साइन में व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान भी रहता है, ऐसे लोगों को। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर फोर्क है, तो ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग जीवन में भरपूर रहती है। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा एकदम सीधी है, इस तरह की सीधी हृदय रेखा वाले कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होते हैं। 1 बजे खाना खाना है, यानी खाना, उसमें 15 मिनट भी आगे पीछे हो गया तो इनको गुस्सा आता है। और जो सिस्टम बना ली, उस सिस्टम में जरा सा भी अप डाउन हुआ तो ये गुस्से में आ जाते हैं। डिनर का टाइम, लंच का टाइम सारा फिक्स रहता है इनका। हाथ के नीचे के लोगों से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं और खुद भी इतने सिस्टमेटिक होते हैं। और इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, ये प्यार जताना आता ही नहीं इनको। ऐसे लोग अपनी वाइफ को भी आई लव यू नहीं बोल पाते, मन में भरपूर प्यार रहता है, शो नहीं कर पाते। माइंड लाइन सीधी है और यहाँ पर फोर्क भी बना हुआ है, तो व्यक्ति शार्प भी होता है और कम्युनिकेशन स्किल भी व्यक्ति में अच्छी खासी पाई जाती है। अभी इनकी जीवन रेखा पर बहुत ज़्यादा टिल्टेड फोटो दे दिया इन्होंने हमें, तो एज कैलकुलेशन में आगे पीछे हो सकता है 1-8 साल का, फिर भी मैंने कोशिश की है ना हो। ये 34 के आसपास मुझे कहीं ना कहीं एक राहु रेखा काटती हुई दिख रही है, और उसके पहले दो कोई ना कोई नियर एंड डियरर गए हो, 2 साल पहले, 2 से 3 साल पहले और उसके 2 साल पहले। उसके बाद 39 के आसपास एक और राहु रेखा ने काटा होगा इनके जीवन में, 38 या 39 में, और 42 या 43 के बाद ही इनका जीवन में स्थिरता आई होगी। यहाँ तक इनकी जीवन रेखा बार बार ब्रेक हो रही है, 6 महीना बहुत कंफर्ट लगता होगा, हाँ मैं सेट हो गया, और फिर वापस धाक के 3 पात, और बार बार बदलाव आया होगा, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, जॉब बदलना, कोई ना कोई बदलाव इनके जीवन में 42-43 तक आया होगा। फिर 46 में और एक राहु रेखा ने काटा, 41 में भी काटी होगी राहु रेखा, 41 या 42 में। उसके बाद सीधी 52 में राहु रेखा काट रही है, जो वर्तमान पीरियड है, अभी ये 53 की एज के है। उसके बाद एक राहु रेखा इनको काटेगी 56 में, और उसके बाद इनको कोई प्रॉपर्टी या कोई भारी धन लाभ भी होगा।
यहाँ पर ऑफशूट है तो ये प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे और धन लाभ भी होगा इनको। उसके बाद 60 के आसपास एक छोटी राहु रेखा है और उसके पास भी ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है और उसके बाद ऑफशूट ही ऑफशूट है। तो बुढ़ापा इनका मुझे तो अच्छा ही दिख रहा है, काफ़ी ग्रोथ करेंगे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे ऑफशूट हैं इनके हाथ में। अब इनका जो मेन प्रॉब्लम है उस पर चलते हैं। एक कट लगा होगा 38 या 39 के आसपास, यहाँ पर इनको आर्थिक नुकसान गया होगा या जॉब गई होगी। 49 में इस लाइन ने इन्वेस्टमेंट कराया, 49 के आसपास, और उसके 3 साल अगर इस लाइन को देखे, ये इन्वेस्टमेंट के पहले, इन्वेस्टमेंट के बाद इनकी ग्रोथ अच्छी मिली इनको, और बीच में ये गैप है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में भी बताऊंगा, और उसके बाद भी अच्छी ग्रोथ है इनके हाथ में, और दूसरी लाइनें भी आगे चलकर काफ़ी ग्रोथ दे रही है ऐसा लग रहा है। तो बुढ़ापा बहुत उत्तम जाते हुए मुझे तो नज़र आ रहा है। अभी इनका जो वर्तमान प्रॉब्लम है वो इस फोटोग्राफ में नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये इन्वेस्टमेंट हुआ 49 और फिर यहाँ तक 3 साल इनकी धन रेखा काफ़ी उत्तम थी, फिर ये गैप आया, ये देखिए इस जगह पर इनकी धन रेखा डिस्टर्ब हुई। तो ये 2 साल का पीरियड इनके जीवन में अच्छा नहीं है, 1.5 या 2 साल का, और उसके बाद फिर वापस इनकी धन रेखा उत्तम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी भी धन रेखा मैं दूसरे फोटो में दिखा चुका हूँ, काफ़ी उत्तम है। तो बस मैक्सिमम 2 साल का प्रॉब्लम इनको फेस करना है, जैसे पूरा हो जाएगा अपने आप सब कुछ स्मूथ होगा। और उसके पहले भी एक लाइन ने काटा था, देखिए यहाँ पर इनकी जॉब भी गई होगी, और ये रेखा ने काटा है, यहाँ ये जॉब ली होगी, और उसके बाद पूरी गैप है। तो मैक्सिमम 2 साल का समय खराब है, उसके बाद मुझे कोई ज़्यादा माइनस पॉइंट इस हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।